हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। माई सेल्फ सुरेखा पटेल एंड विल कंटिन्यू अवर चैप्टर चैप्टर नंबर 14 या फिजियोग्राफी। इन दिस वी हैव टू बी स्टडीड इन द लास्ट वीडियो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स वी गेट फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट एंड एग्जिस्टर पार्ट। टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सॉइल। इट इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। सो लेट डिस्कस अबाउट इट। We know that soil is the basic resource of for agriculture. Agriculture के लिए ये एक basic resource है, हम लोगों को पता है। Beside agriculture, soil is also very important. Agriculture के अलावा soil दूसरी जगह पे भी important है। Soil is a thin layer form of the organic and inorganic matter on the surface of the earth. Surface of the earth, earth के ऊपर के भाग में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजों से फॉर्म होके जो लेयर बनता है उसे का क्या क्या कहा जाता है? सॉइल कहा जाता है। सॉइल इज रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द सेम वे एज द एप्पल विथ इट स्किन। सॉइल ये क्या है? अर्थ का एक सरफेस है, जिस तरीके से हम लोगों को एग्जांपल दिया है कि एप्पल के साथ उसका स्किन होता है। The thin layer on the crust of the earth is called soil. जो thin layer है on the crust of the earth, earth के ऊपर के crusting area में यानी टूटे हुए भाग में जो है उसे क्या कहा जाएगा? Soil कहा जाएगा। तो इस तरह जो है soil जो है form होता है, जो जिसके अंदर organic और inorganic चीज जो है वो इंक्लूड होती है। नाउ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्म कैसे होता है? तो सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डेनिड्यूडेशन ऑफ रॉक। सॉइल जो है वो रॉक्स के यानी कि पत्थरों की टूटने की वजह से, डेनिड्यूडेशन टूटने की वजह से, जो टूटने के बाद जो फॉर्मिंग मेथड हुए उसका जो है ये रिजल्ट है। द रॉक सरफेस इज eroded due to factor like temperature, rain, snow, air, vegetation and insect and it turns into powdery form. जो रॉक होता है वो रॉक सरफेस जो होता है वो eroded यानी कि एक टूटने की जो सिचुएशन होती है, क्रस्टिंग आउट जो है, क्यों क्रस्ट होता है? तो जिसके टेम्परेचर की वजह से, रेन की वजह से, स्नो की वजह से, एयर, वेजिटेशन, इंसेक्ट, ये सब की वजह से इट शुड बी क्रस्ट एंड टर्न इनटू अ पाउडरी फॉर्म। थस इट फॉर्म्स द लैंड लेयर, और जिसकी वजह से एक लेयर बनता है। इन दिस लेयर देयर आर ग्रेवल, स्मॉलर स्टोन्स, पेबल्स, सॉइल पार्टिकल्स एक्सेट्रा, जिसके अंदर जो है स्मॉल स्मॉल जो स्टोन्स है, पेबल्स है, सॉइल पार्टिकल्स है, ये सारी चीज जो है आप लोगों को ये जो लेयर के अंदर दिखेगी, विच आर नोन एज अ रिगोलिथ, जिसको रिगोलिथ से जाना जाता है। रिगोलिथ दैट इज अ नेम शुड बी गिवन बाय द जियोग्राफिकल नेम शुड बी गिवन दैट इज अ रिगोलिथ। इट कंटेन्स ओनली मिनरल कंटेंट्स, जिसके अंदर मिनरल ही है। देन द बायोटिक मैटर, एयर एंड वाटर आर मिक्स्ड, जिसके बाद ये जो रिगोलिथ है उसमें उसके अंदर जो है बायोटिक मैटर, एयर और वाटर मिक्स होते हैं। एंड फाइनली सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ दिस मिक्सचर, और ये मिक्सचर में से सॉइल जो है फॉर्म होता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि भाई बन तुरंत ही ये फॉर्म हो जाता है, ये नहीं है। दिस टेक अ लॉन्ग
ड्यूरेशन। नाउ सॉइल इन इंडिया, हमारे देश के अंदर किस तरीके की सॉइल हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम लोग विजिट करते हैं अलग अलग रीजन के अंदर, वी हैव टू बी सी द डाइवर्सिटी इन टू द सॉइल। सॉइल इन इंडिया आर क्लासीफाई इन टू द सिक्स टाइप, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। हम लोगों को भारत देश के अंदर अलग अलग सिक्स तरीके की जो सॉइल्स है वो मिलेगी, जिसके अंदर ये सिक्स अलग अलग तरीके की जो सॉइल्स है वो इंक्लूड होती है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। हियर वी सी दिस मैप, तो हम लोगों को हिमालय रीजन जो है कश्मीर, वहाँ पे मोस्टली जो फॉरेस्ट सॉइल है वो देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट जो नॉर्थ एरिया है पंजाब, वहाँ पे हम लोगों ने आगे स्टडी किया कि वहाँ पे ज़्यादातर जो रिवर है गंगा, सतलुज और उसके कोस्टल एरिया की वजह से यहाँ पे जो है एलुवियल सॉइल जो है भारी मात्रा में देखने को मिलेगी। इसके बाद महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड इन टू द आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, सॉरी नॉट इन आंध्र प्रदेश बट देर इज अ मध्य प्रदेश, वी हैव टू सी द ब्लैक सॉइल एंड इन टू द साउथर्न पार्ट वी हैव टू बी सी द रेड सॉइल। सम पार्ट ऑफ इन टू द कोस्टल एरिया ऑफ अरेबियन सी देर इज अ लेटरेट सॉइल विल बी सी सम ऑफ देयर इन टू द बे ऑफ बंगाल। Here we see the red soil of that should be seen into the Assam, into the eastern part of India. तो इस तरीके से, और जो desert soil है we have to be seen into the Rajasthan. तो इस तरीके से भारत देश के अलग अलग region के अंदर अलग अलग तरीके की soil जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। नाउ लेट सबसे पहले ये जो सॉइल है उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, खदर एंड बंगर। द सॉइल फॉर्म ड्यू टू द फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट इज नोन एज अ खदर सॉइल। जो फ्रेश एलुवियल जो है डिपॉजिट होता है रिवर फॉर्म की वजह से, जिसको खदर सॉइल कहा जाता है। एज दिस सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द रिवर फ्लड, इट इज फाउंड मोस्टली नियर बाय द रिवर्स। जनरली सच सॉइल इज सैंडी, ये जो सॉइल है वो मोस्टली सैंडी होती है। सॉइल कंटेनिंग ओल्ड एलुवियल इन द अपर वैली रीजन ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड अ बंगर सॉइल। जो वैली रीजन होता है जहाँ पे उसका जो अपर पार्ट है वहाँ पे ये जो एलुवियल सॉइल मिलती है उसको क्या कहेंगे, बंगर। इट इज स्ट्रिकी, सॉरी स्टिकी एंड हैज अ डार्क कलर्स, ये स्टिकी है और डार्क कलर है। ऑलिवियल सॉइल इज सीन इन मैनी पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ये एलुवियल सॉइल जो है देखने को मिलेगी। देयर फर्टिलिटी इज ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग फर्टिलिटी भी देखने को मिलेगी। जनरली सच सॉइल इज वेरी फर्टाइल, इट इज फाउंड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये जो है मोस्टली एलुवियल सॉइल जो है वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में पाई जाएगी। तो इस तरह जो है एलुवियल सॉइल जो है वो फर्टाइल होने की वजह से एग्रीकल्चर के लिए ये मोस्टली यूज होती है। आफ्टर दैट ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ये जो ब्लैक सॉइल है वो ये सारे अलग अलग स्टेट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल इज द गिफ्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो की वजह से ये हम लोगों को प्राप्त होती है। द सॉइल इज अ वेरी स्टिकी एंड फर्टाइल, इट कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ प्रोलोंगेड टाइम। इसके अंदर सम टाइम्स के लिए, प्रोलोंगेड टाइम यानी सम प्रीवियस टाइम के लिए जो है इसके अंदर ह्यूमिडिटी रहती है। लॉन्ग टाइम के वजह से, प्रोलोंगेंट यानी फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए वजह से अंदर ह्यूमिडिटी रहने की वजह से ये जो है वो ये जो सॉइल है वो कोई भी रीजन के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर ये ज़्यादातर ये जो है वो
मोस्ट फेवरेबल सॉइल मानी जाती है. इट इज फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस रॉक एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉटन कल्टिवेशन. कॉटन कल्टिवेशन में ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है. दिस इज वाई इट हैज बिकम फेमस एज ब्लैक कॉटन सॉइल, और जिसकी वजह से ये ब्लैक कॉटन सॉइल से भी जाना जाती है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेगुर सॉइल, ये रेगुर सॉइल के नाम से भी जानी जाती है. नेक्स्ट वन इज रेड सॉइल. सच सॉइल इज फाउंड इन रीजन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स है वहां पे ये रीजन में ये जो है पाई जाती है. इट्स रेड कलर इज ड्यू टू इट्स फीरियस एंड अदर ह्यूमस कंटेन. इसका जो रेड कलर है वो उसके अंदर जो फीरियस और अदर ह्यूमस कंटेन जो है, जो केमिकली फर्टाइल रहते हैं, जो मैग्मा से प्राप्त होते हैं, तो इस वजह से इसका कलर जो है वो रेड है. द सॉइल इज पोरस एंड फर्टाइल. सच सॉइल इज सीन इन गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड. इस तरीके की जो सॉइल है वो हम लोगों को ये स्टेट के अंदर देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इरोजन बाय रेन. ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से जो सॉइल जो है वो लेटराइट सॉइल जो है वो डेवलप होती है. ड्यू टू हैवी रेन द ह्यूमस कंटेन फॉर्म द टॉप सॉइल डिसेंड इनटू द लोअर स्ट्रेटा व्हिच इज कॉल्ड अ लीची. ये जो हैवी रेन की वजह से क्या होता है कि सॉइल के ऊपर का जो टॉप लेयर होता है उसके अंदर जो ह्यूमस कंटेन है वो वॉश हो जाते हैं, ड्रेन आउट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से लोअर स्ट्रेटा फॉर्म में वो नीचे जाते हैं, जिसको लीचिंग कहा जाता है. एज द सॉइल कंटेन लेस ह्यूमस, जिसके अंदर इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा जो है बहुत कम रहती है, इट इज लेस फर्टाइल. द रेड सैंडस्टोन कंटेन आयरन एंड एल्यूमिनियम. इसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा रहती है. द इरोजन ऑफ दिस रॉक्स रिजल्ट इन टू इट्स रेड कलर. जो ये रॉक्स है उसके इरोजन की वजह से उसका कलर जो है वो रेड होता है. सच सॉइल इज फाउंड इन माउंटेनियस रीजन ऑफ डेकन, कर्नाटका, केरला, ओडिशा एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ये जो है हम लोगों को अलग अलग ये स्टेट के अंदर जो है प्राप्त होती है. नेक्स्ट इज माउंटेनियन सॉइल. माउंटेन सॉइल ह्यूमस कंटेन इज मोर ड्यू टू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की वजह से इसके अंदर जो है ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो ऑर्गेनिक फॉर्म क्रिएट करती है. ऑल्दो इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसके अलावा जो है अलग अलग प्लेस के अंदर इसके अंदर डिफर यानी डाइवर्सिटी हम लोगों को दिखेगी. सच सॉइल ऑन शिवालिक रेंज इज लेस फर्टाइल एंड लेस डेवलप. जो शिवालिक रेंज पे है वो लेस फर्टाइल और लेस डेवलप है. तो सॉइल इज सैंडी एंड पोरस एंड डज नॉट कंटेन ह्यूमस. जो सॉइल है वो सैंडी है, प्योरस है एंड उसके अंदर जो ह्यूमस की मात्रा है वो लेस होती है, होती ही नहीं है, जिसके वजह से सच सॉइल इज फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द कंट्री. हमारे कंट्री के अंदर माउंटेनियस रीजन के अंदर ये पाई जाती है. सच एज इन द मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिल रेंज, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर स्टेट. तो ये स्टेट के अंदर हम लोगों को ये माउंटेनियन सॉइल्स जो है वो प्राप्त होती है. नाउ नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल. सच सॉइल इज फाउंड इन द अराइड एंड सेमी अराइड रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा. ये रीजन के अंदर हम लोगों को अराइड रीजन के अंदर, ड्राई रीजन के अंदर ये जो है प्राप्त होती है. द सॉइल हियर इज मोर अल्कलाइन एंड हैज लेस ह्यूमस कंटेन. इसके अंदर अल्कलाइन की मात्रा ज्यादा होती है और उसके अंदर ह्यूमस नहीं होता है. एग्रीकल्चर हैज बीन मेड पॉसिबल इन सच सॉइल ओनली थ्रू इरिगेशन. ये जो एरिया है वहां पे इरिगेशन मेथड के द्वारा ही एग्रीकल्चर कंडक्ट किया जा सकता है. तथा लार्ज डाइवर्सिटी इन सॉइल्स ऑफ नेशन इज सीन ड्यू टू डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड रिलीफ फीचर.
ये डाइवर्सिटी जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग रीजन में जाने की